Assalamualaikum everyone, I am back with a new vlog. Hope so you are well today. And if you're new to my channel, just take a minute and subscribe to my channel below. And don't forget to hit the bell icon. On the other hand, guys, the purpose of shooting this vlog is that I am going to a very, very, very interesting place, my dream place, tomorrow. और कल मैं जा रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी यूनिवर्सिटी एट अ न्यू कैंपस एंड बहुत इन्जॉय होने वाला है. कल से मेरी फाइनली क्लासेस स्टार्ट है एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस. तो गाइज होप सो आप लोग भी खुश होंगे. चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या लेके जाना है कल. ठीक है, दिखाती हूँ एक मिनट बस. सो गाइज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे लेके जाने हैं. अच्छा, ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने ओरिजिनल कॉपी दोनों रखी है. कॉपीज चाहिए थी, वो अटेस्टेड चाहिए थी 18 ग्रेड के ऑफिसर से, तो वो भी मैंने करवा ली थी और वो सारा सीन हो गया था. अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना, ये है डाटा फील्ड है. इसमें क्या क्या है, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, अंडरटेकिंग नंबर 2, देन आफ्टर दैट पासपोर्ट साइज पिक्चर, दो अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मैट्रिक का सर्टिफिकेट और HSSC मतलब इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, फिर डोमिसाइल के सर्टिफिकेट की कॉपी, ब्ला ब्ला ब्ला, और CNIC की कॉपीज और 10 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स. तो मेरे पास 10 पिक्चर्स थी, बाकी बल्कि 15-20 मेरे पास पिक्चर्स थी जो कि मैंने सारी देर रख दी. और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सी मेरे पिक्चर है. वो पिक्चर फ्रॉम द क्लास आई गेस फर्स्ट ईयर से अभी तक, मैंने फर्स्ट ईयर में पिक्चर बनवाई थी, फर्स्ट ईयर से अभी तक मेरी वही पिक्चर थ्रू आउट चल रही है. तो मुझे अपनी वाली पिक्चर बहुत पसंद है क्योंकि मैं इसमें मासूम लग रही हूँ, बहुत ज़्यादा लग रही हूँ मासूम. तो खैर आजकल कोई भी नहीं होता. दिस वन एंड आई नो इट्स लुकिंग सो क्यूट. सो सारा पेपर वर्क कम्प्लीट है, कल मुझे पेपर्स लेकर जा रहे हैं. फाइनली आई गॉट द एडमिशन इन मेडिकल. ये चीज़ मैंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर की थी, मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स ने, बहुत सारी फ्रेंड्स को पता होगा अबाउट दिस. बट मेरी जो क्या कहते हैं सब्सक्राइबर्स, उनको नहीं पता होगा. फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अगर इसमें एडमिशन नहीं मिलता तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लॉ करना पड़ता, बट फाइनली आई गॉट द एडमिशन इन मेडिकल. अच्छा जी, तो हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं. इसमें मैंने पेंसिल भी रखी है कि मुझे चाहिए होगा, और फिर मेरा ये CNIC भी यहाँ पर है. देखें जी कितनी हसीन पिक्चर आई है मेरे CNIC के नंबर को मैंने कवर कर दिया है, और ये मेरी पिक्चर कितनी हसीन आई है. मतलब मुझे अपनी CNIC की पर्सनली पिक्चर पसंद है क्योंकि लोग कहते हैं कि CNIC पिक्चर अच्छी नहीं आती, बट मेरी पिक्चर बहुत अच्छी आई है. नाइन नो मेरा आज आप क्यों सेट नहीं हो पा रहा, डेड हो रहे हैं. एनी हाउ, अच्छा जी, तो मैंने अपनी वॉच रख ली है, मेरे ग्लासेस और कंप्यूटर ग्लासेस हैं ये, क्योंकि यार कुछ दिनों पहले मैंने डॉक्टर को चेक करवाया था एंड दे सेड कि अगर आप यूज़ कर रही हो कंप्यूटर या फ़ोन तो आपने ये पहनने हैं. अभी फ़ोन मुझसे काफ़ी दूर है, बट फ़ोन जब मेरे यहाँ करीब होता है तो फिर मुझे ये पहनने पड़ते हैं. अच्छा, 3 मिनट की वीडियो हो गई है एंड आई एम रियली रियली कॉन्शियस अबाउट द टाइम. तो चलें अब मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ मैं पहनने क्या वाली हूँ. ठीक है, नेक्स्ट उसमें दिखाती हूँ. चलें एक ट्रांजिशन डालते हैं इसके बीच में. तो दिन का वक्त है, मेकअप तो वैसे भी मुझे ज़्यादा करना नहीं होता. मेकअप में सिर्फ और सिर्फ मुझे एक चीज़ लगानी होगी, वो मैं भी आप लोगों को दिखा दूँगी क्या होगा. ठीक है, अच्छा बैग में हमने जो जो रखना था रख लिया, टिश्यूज़ रख लिए हैं, और फिर कल छोटू सा बैग लेके जाऊँगी क्योंकि टुमारो इसमें ओरिएंटेशन डे एंड नॉट द क्लासेस, क्योंकि अभी तक हमें बुक्स फाइनलाइज नहीं की गई हैं बिकॉज ऑफ दिस. तो ये सीन है सारा. फिर हमारे पास मेरा वॉलेट, फिर और क्या है हमारे बैग में, यार एक काउंटर है, तस्बी काउंटर है एंड देन दिस सैनिटाइजर, और फिर कुछ स्कार्फ पेन वगैरह, बस और कुछ नहीं है. और एक पेन पड़ा होगा एक अदद, वो भी रेड पेन. बीइंग अ टीचर रेड पेन इज कंपल्सरी. गोइंग टू वेयर दिस बेबी पिंक कलर का कुर्ता एंड कुर्ती टाइप है, फुल नीचे से जो है ये बना हुआ है इसका, एंड ये क्यूट क्यूट से इस पर बोज लगे हुए हैं, और इसके जो चॉक्स हैं वो इस तरह के, मतलब थोड़े से खुले हुए हैं थोड़े से बंद हैं, मतलब फ्रॉक शर्ट टाइप है ये सीन. ऑन द अदर हैंड दिस वाला ये और दिस ट्राउज़र. अच्छा जी, तो मैंने ये कॉम्बिनेशन इसलिए रखा बिकॉज आई रियली लव द पिंक वन व्हेन आई वाज इन माय चाइल्डहुड एंड आई आल्सो लाइक द लाइट कलर एंड इसमें कुछ वाइट का टच अप आ रहा था, दैट्स व्हाई. एंड आई गॉट दिस कुर्ती फ्रॉम मार्केट एंड आई एम ऑलरेडी रेडी हूँ मैं.
रही है और मैं आप लोगों को अपनी फाइनल वो दिखाती हूँ। तैयार हो गई, कैसी लग रही हो? रेडी एंड पीछे के मैस को इग्नोर करें। और ये लास्ट मोमेंट पे मैंने अपना जो बॉटम था वो चेंज कर दिया। चलें जी चलते हैं। 1 2 3 4 कुछ मिला है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, ये मिला है, यहाँ पे खड़ी हुई है रिसेप्शन के पास और यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी होगी। जनाब आपने वीडियो में क्या देखा? आपने देखा कि मैंने आप लोगों को बताया कि केक कटिंग होने वाला है, बट मैंने आप लोगों को केक कटता हुआ नहीं दिखाया। क्यों? वजह जानते हैं? क्योंकि मुझे किसी मोटी सी बड़ी सी आंटी टाइप लड़की ने पीछे धक्का दे दिया था और मैं केक कट होता हुआ रिकॉर्ड नहीं कर सकी। चले छोड़ें इस बात को। ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस इवेंट एंड इनको सर्टिफिकेट्स मिले। बाय। आ गई हूँ और अब मैं बेल करती हूँ और मैं जो भी आएगा उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करती हूँ कि मैंने जो है ये पहना है। नीचे आओ, मैंने वाइट कोट पहना हुआ है, इनका रिएक्शन देखेंगे। 1 2 3 लड़ाइयाँ हो रही हैं दरवाज़ा खोलने पर। बच्चे